हमें चाहते थे, लेकिन 78% जनसंख्या होने के बावजूद भी हम भीख मांग रहे हैं कि हमारे अधिकार को हमसे छीना ना जाए। ये अपने आप में बड़ी शोचनीय बात है। हम क्यों भीख मांग रहे हैं? ये हमारा हक है और जो हमें लेना होगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। पिछले कितने सालों से लगातार एक के बाद एक राजनीतिक दल हमें मात्र वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे। हम मात्र वोट बैंक नहीं है, ये बताने का समय अब आ गया है। अब हमें नहीं चाहिए किसी का प्रतिनिधित्व, हम खुद प्रतिनिधित्व बनकर खड़ा होने का जज्बा रखते हैं। हर युवा में बी आर अम्बेडकर है, जरा मौका तो देके देखिए। आजकल सोशल मीडिया पे एक अलग सा अभियान चल पड़ा है और मात्र 22% लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें खैरात, हमें जो मिला है वो खैरात में मिला है और हमें सब मिल गया है, अब जरूरत नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ सत्ता से और सत्ता से पहले जो भी राजनीतिक मानसिकता रखते हैं कि वो क्या वास्तव में हमारे उन गांव में उन बंधुओं और बच्चों के बीच में आज भी वो शिक्षा पहुंच पाई है जिससे कि वो पहली से पांचवी, पांचवी से दसवीं, दसवीं से बारहवीं और बारहवीं से ग्रेजुएट हो सके। कितने बच्चे ग्रेजुएट हो गए हमारे? नहीं। आज भी हमारी व्यवस्था वही हमें मजदूर बनाने की है। आप पहचान जाइए, ये शुरुआत है अनडिक्लेयर इमरजेंसी की। This is an undeclared emergency and you have to know about that. और आपको ये बताना है कि दोबारा जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, अब आप में वो जज्बा पैदा है कि 78% में से अगर 50% भी अगर उठ खड़े हुए तो ऐसी सत्ताएं, कैसी भी सत्ताएं जो हमारे अधिकार को हमसे छीनने की बात करती हैं, अब उनको उखाड़ फेंकने की जज्बा रखते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था ईमानदारी से 10 साल रिजर्वेशन दो। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ईमानदारी आज भी हो पाई है? आज तक ईमानदारी से सर ये भी देख लो यार, नहीं दिया गया। और कहते हैं खत्म कर दो, अभी पहले दे तो दो फिर उसके बाद खत्म करने की बात करना। समानता हमारे बीच है ही नहीं। आज हमें दूसरों को देखने से पहले एक चीज है कि जो व्यक्ति अपनी कमियों को पहचानता है वो सबसे बड़ा व्यक्ति कहलाता है। हम खुद के गलेबान में नहीं झांक रहे। आज हम बटे हुए इसीलिए सब लोग हमें बांटे हुए हैं। जब हम बटे हुए नहीं रहेंगे और हम कास्ट में नहीं बटे, हम इस कास्ट के, उस कास्ट के, इस कास्ट के, उस कास्ट के की बात करते हैं। बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि हम मात्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, हम कोई जाट, चमार, धोबी, माला कोई नहीं है। ये भूल जाते हैं किस जाति से है। हम उस जाति से नहीं है, हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान की पहली मूलभूत निवासी है। कोई हमें नहीं निकाल सकता। हम उखाड़कर फेंकने का जज्बा रखते हैं और यदि इस तरीके की व्यवस्था न्यायालय के माध्यम से समझने की जरूरत है भाइयों कि ये षड्यंत्र हो रहा, भारत का अटैक ना होकर न्यायालय के माध्यम से अटैक हो रहा कि हम कुछ कह ना पाए क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट हो जाए, क्यों नहीं डाले? या हमारे फोरम पर सरकार को प्रतिनिधित्व करने वाले लोग इतना भाषण देकर जाते हैं लेकिन समझने वाली बात है कि क्यों नहीं उन्होंने संसद में बायकॉट किया? 131 एमपी है, क्यों नहीं उन्होंने? और वो सिर्फ रिजर्वेशन के आधार पर, बी आर अम्बेडकर के संविधान के आधार पर आज संसद में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हैं, निगम पार्षद बैठे हुए हैं। उसके बावजूद वो उनके तल में जाते हैं और यहाँ पर आकर अपना वोट बैंक फिसल न जाए, इसलिए यहाँ पर आके मैं
वी आर नॉट अ फॉलोअर, वी आर लीडर। वी आर अंबेडकर ने कहा था लीडर बनो, सक्षम बनो, शिक्षित बनो। हम सिर्फ फॉलो बने, पेड़ बन रहे हैं आगे जाके खाई में गिरने की बात कर। राइट, ऐसी स्थिति में बात देखिए, बात 2 मिनट और 10 मिनट की नहीं है, बात है सही बात सही तक लोगों तक पहुंचाने की। यहाँ पर हम इकट्ठे हुए, इतनी दूर दूर से आए हैं, सिर्फ भाषण करने नहीं आए, बात है हमारे अंदर के खून को खोलाने की। ये जज्बा पैदा होना चाहिए। यदि हम सिर्फ भाषण करेंगे, भाषण करना मेरा मकसद है, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, आई एम ऑनली द टीचर, दिस इज